the volume of metasphere increases by 0.24% when its temperature is raised by 40 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of metal is blank. तो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें अल्फा फाइंड करना है मेटल के लिए, उसका वॉल्यूम जो है 0.24% इंक्रीज हो रहा है. तो डेल्टा वी बाय वी जो है 0.24% है. अब डेल्टा वी और डेल्टा एल में अगर रिलेशन देखें तो एक तो गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा, और डेल्टा वी इज इक्वल टू लिखते हैं वी गामा डेल्टा टी, और डेल्टा एल इज इक्वल टू लिखते हैं एल अल्फा डेल्टा. सेम टेम्परेचर राइज है तो उसके लिए हम अगर देखें तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3 होगा. डेल्टा वी बाय वी यहां से कितना है, डेल्टा वी बाय वी गामा डेल्टा टी हो जाएगा, और ये है हमारे पास 0.24%. तो गामा डेल्टा टी 0.24% है, तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा 0.24% डिवाइड बाय डेल्टा टी जो कि 40 डिग्री सेल्सियस है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू गामा की वैल्यू 0.24 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, परसेंटेज को निकाला तो 100 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.24 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -5. ये आएगी अल्फा की वैल्यू, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 ऑप्शन 1.